चंद्र खान के पास गए, हमने उनसे मिन्नत की, हमने अपने घर संसार, अपने वैवाहिक जीवन का वास्ता दिया, उन्हें समाज का डर दिखाया, उन्हें इस औरत की असली शक्ल दिखाई, तब जाके कहीं उन्होंने इनसे अपने सारे संबंध तोड़ लिए। लेकिन ये औरत, इसलिए उनसे कहा कि अगर वो इनके नहीं होंगे तो वो किसी के नहीं हो सकते, और इसने उन्हें मार दिया। आज से, अब से इस घर में या तो हम रहेंगे या ये औरत। कहा हमरे पापा कहते हैं अगर बड़ों की सेवा करने का मौका मिले ना तो उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, बहुत पुण्य मिलता है। चलो, आज तुमने हमें गिरने से बचाया है तो हमने फर्ज बरतना है कि हम तुम्हारी मदद करें। हमरे बाबू बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत पहचान है उनके शहर में, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। नहीं बेटा, हम किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते। अरे हम कह रहे हैं ना, तुम चलो। अरे पर किसी को तकलीफ नहीं होगी, चलो। पर बेटा सुनो, चलो। अरे सुनो तो, अरे बेटा सुनो। जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो उस रात नहीं हुआ वो काम आज हो जाना चाहिए। चिंता मत करो, आज रात सब काम खत्म हो जाएगा। वो जिस औरत को ढूंढने आई है उसका नाम कांता है। सब लोग उसे अम्मा जी बुलाते हैं। मैं जिस एमएलए के यहाँ काम करता हूँ उसी के काम के सिलसिले में मैं उससे मिला था, उस अम्मा से। तुम जाओ, जाके वसुंधरा को पकड़ो, मैं सम्मा जी को ठिकाने लगाता हूँ। पर चंदर, काम सफाई से होना चाहिए। किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आप ही चंद्रकांत हैं और उस औरत ने आपको वसुंधरा देवी की इज्जत लूटते हुए दिखा। बेफिक्र रहो कावेरी, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मम्मी, इनका पीछा करते हैं। आई एम श्योर इन्हें पता होगा कि बड़ी माँ कहाँ पर है। चलो। जाओ अंदर जाओ, आराम से अपना काम खत्म करो, जाओ। घर, ओह हम तो भूल ही गए कि घर में कोई है ही नहीं। सब लोग पास वाले मंदिर में सत्संग के लिए गए हैं। तुम एक काम करो, हाथ मुंह धो लो, हम तुम जल्दी पानी लेकर आते हैं।